सो हाय गाइस, 27th यानी कि कल लूना का 2.0 वर्जन आ रहा है, जो कि आप लोगों को न्यूज़ मिल चुकी होगी। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद कुछ और है, बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर विल इट बी और कैन इट बी एन अपॉर्चुनिटी, या ये हो सकता है एक ट्रैप। तो उसके बारे में हम फिलहाल बात करते हैं। सी, आपको मैं कुछ चीज़ समझाना चाहूँगा। लूना का आप लोगों को एयर ड्रॉप मिलने वाला है। जिन्होंने लूना टोकन को होल्ड किया था 6 मई से पहले तक का, उनको 35% ऑफ न्यू ब्लॉकचेन जो है वो डिवाइड किया जाएगा, यानी कि 1 बिलियन की जो उनकी ब्लॉकचेन है, यानी कि 350 मिलियन जो है अकॉर्डिंग टू योर होल्डिंग, जितनी आपने लूना लिया था उतना आपको मिल जाएगा अगर आपने 7 मई से पहले लूना टोकन होल्ड करके रखे थे। अगर उसके बाद आपने लूना को बाय किया अटैक के बाद और आपने अभी तक उसको होल्ड किया है 27th को, कल स्नैपशॉट पीरियड के बाद तक अगर आपने होल्ड किया, स्नैपशॉट पीरियड तक आपने होल्ड किया है, तो आपको उसका कुछ हिस्सा लाइक अबाउट 10-20% आपको उसके अंदर एयर ड्रॉप मिलेगा। आर्टिकल के ऊपर पूरी डिटेल मिली है। मेरा यहाँ पे एम ये नहीं है कि कितने टोकन आपको मिलेंगे, जितने मिलने हैं वो तो मिल ही जाएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लूना क्लासिक यानी कि जो पिछला लूना था वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि लूना की कोई वैल्यू नहीं रहेगी जो पहले था। अब जो लूना है उसके ऊपर सारी की सारी उनकी टीम एंड डेवलपर उसके ऊपर जाने वाली है। आपको फॉर एग्जांपल, आपने एग्जांपल के तौर पे आपके पास 100 लूना टोकन थे, उसकी वैल्यू थी $10,000। आप उसको एग्जाम्पल छोटा ले लीजिए वह बड़ा ले लीजिए, आपको जो अभी टोकन मिलेंगे वो $10,000 की वर्थ के तो फॉर श्योर नहीं होंगे। आपके जो टोकन होंगे वो हो सकता है आपको 100 टोकन्स आपके 100 डॉलर्स का था, अगर एक टोकन 100 टोकन आपके पास थे तो $10,000 अगर आपने लगाए थे तो हो सकता है आपको अब 100 टोकन्स मिल जाए और उन टोकन्स की वैल्यू फिलहाल जब ओपन हो न्यू ब्लॉकचेन वो $1 के आसपास हो, $2 के आसपास हो, $5 के आसपास हो, तो आपका कुछ अमाउंट रिकवर ज़रूर हो जाएगा। लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट हो सकता है, 5% आपका रिकवर हो जितना आपने होल्डिंग करी थी। सेम गोज विद USDT एज वेल। बट यहाँ पे जब पूरी की पूरी मार्केट के पास लूना टोकन आ जाएंगे, एग्जांपल के तौर पे आप सबके पास लूना टोकन आ गया, एयर ड्रॉप आ गया, उसको बेचेगा कौन? आई बिलीव उसको सबसे ज़्यादा बेचेंगे वो लोग जिन्होंने लूना को क्रैश के बाद बाय किया। यानी कि कई लोगों ने उसको बाय किया 0.00004 पे, 0.0002 पे, 0.02 पे, 0.03 पे, 0.12 पे, लोगों ने इन रेट्स पे $1 पे, $2 पे क्रैश होने के बाद उसको बाय किया, उन लोगों को भी एयर ड्रॉप मिलेगा। तो उन लोगों ने छोटे छोटे अमाउंट लगाए, दोस पीपल विल सेल देयर कॉइन्स, क्योंकि उनके लिए वो वैल्यू नहीं रखता लूना, उन्होंने सिर्फ एज एन अपॉर्चुनिटी बाय किया, जहां पे उन्होंने कई लोगों ने 2x 3x 5x भी बनाया और कई लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया। तो अब उन लोगों में से कुछ लोगों ने होल्डिंग करी है लूना टोकन की, उन्हीं को मिलेगा सिर्फ स्नैपशॉट। अब जिन्होंने होल्डिंग करी है उन्होंने कितने की एंट्री ली है? $100, $500। जिसने $100 की एंट्री ली है शायद उसको वर्थ ऑफ टोकन मिल जाए $1 का, $0.50 का, $2 का। बट जिन लोगों को हुआ है लॉस, उनके लिए अब नया लूना टोकन हो सकता है बन जाए एक होल्डिंग टोकन। यानी कि अगर उन्होंने फॉर एग्जाम्पल $100 लगाए थे, इस नए टोकन की वैल्यू हो $10, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, उनका पोर्टफोलियो का 10% रिकवर हुआ और उनका 90% का भी लॉस हो रहा है, मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम विल नॉट सेल द न्यू लूना टोकन। रीजन बींग, वो चाहेंगे कि इस टोकन का प्राइस बढ़े और हम तब उसके अंदर बाइंग करें, तब हम उसके अंदर सेलिंग करें और एट द एंड अपने ब्रेक इवन पे हम आ जाए। उसके लिए उसको जाना पड़ेगा $100 तक उनकी रिकवरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को जो आपको वीडियो बनाने का एम है वो है, दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी विच इज़ हैविंग हाई रिस्क। आपको पहले बता रहा हूँ, दिस कैन बी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको हाई रिस्क हो सकता है, लेकिन इट कैन बी हाईली रिवॉर्डिंग एज वेल। वाई? पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो 90% नुकसान लेके अपना लॉस बुक नहीं करने वाले, उनको 100% उनके फंड की रिकवरी मिल जाएगी एयर ड्रॉप में। मैं तो नहीं मानता ऐसा हो सकता है। यहाँ पे एक्सचेंजेस का, बाइनेंस जैसे एक्सचेंज के बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ, तो आई बिलीव इतने बड़े एक्सचेंजेस सब इस नए लूना टोकन को सपोर्ट करेंगे। एवरी एक्सचेंज हैज सो मच ऑफ मनी, एवरी व्हेल माइट इवन बाय दिस न्यू टोकन, बिकॉज
दे आर एक्सपेक्टिंग द सेम दैट आई एम टेलिंग यू कि लोग इसको शायद सेल नहीं करेंगे और हो सकता है इसके ऊपर सेल प्रेशर बने ही नहीं, और ये भी हो सकता है फर्स्ट 24-48 आवर्स तक ये गिरता ही रहे. रीजन बींग सेलिंग प्रेशर आ रहा है, लेकिन उसके बाद वहाँ से वो रिकवरी करे और वहाँ से वो चला जाए 2x, 5x, 10x, 50x भी, तो आई एम टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय द न्यू टोकन्स रेदर देन कि मेरे को कितना एयर ड्रॉप मिलेगा. जो हो चुका है वो हो चुका है, एयर ड्रॉप मिलेगा, लेकिन क्या इससे एक अपॉर्चुनिटी निकल रही है मेरे लिए? आंसर इज येस. क्या इसमें रिस्क है? आई विल से हाई रिस्क. सो वट आई विल डू इज अकॉर्डिंग टू माई एपेटाइट. मेरा रिस्क एपेटाइट कहता है कि मैं शायद इसके ऊपर 2% ऑफ अवर पोर्टफोलियो, माई पोर्टफोलियो, शायद मैं रिस्क ले लूँ नए टोकन के ऊपर. कब लूँगा? पहले मैं उसको लिस्ट होने दूंगा, देखूंगा वो कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वो बढ़ता ही जा रहा है, तो मैं शायद छोटी सी एक एंट्री, बहुत छोटी सी एंट्री एक ले लूँगा. क्या वो गिरता ही जा रहा है और जहाँ पे वो स्टेबल प्राइस के ऊपर आता है, जो हमारी आइडियल स्ट्रेटजी है, यानी कि 4 दिन, 5, 2 दिन के अंदर अंदर अगर वो स्टेबल प्राइस के ऊपर आ जाता है और 2 दिन लगातार उसी स्टेबल प्राइस पर चलता है, आई विल टेक लाइक 2% ऑफ एंट्री ऑफ माई पोर्टफोलियो ऑन द न्यू लूना 2.0. उसका रीज़न ये है, उनके डेवलपर्स जो थे अभी तक उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, स्ट्रॉन्ग है, और इनके ऊपर लूना प्रोजेक्ट के ऊपर जो लोग लूना को नहीं भी जानते थे, इस क्रैश के बाद पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी लूना कॉइन को जानती है, सबकी नज़र रहने वाली है इस कॉइन के ऊपर. तो आई बिलीव यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है मेरे को, रेदर देन हाई रिस्क मैं कहूँगा यहाँ पे हाई रिवॉर्ड के चांसेस ज़्यादा है. लेकिन यस, अगर आप इस बात को सुन के आपके पास $100 का पोर्टफोलियो है और आप इसके अंदर $50 लगा देते हो, $90 लगा देते हो, ये सोच के कि यार अब तो ऐसी तैसी कर देंगे, तो बिल्कुल मत करना, बिकॉज यहाँ पे आपके पैसे की भी ऐसी जैसी हो सकती है. हमेशा रिस्क अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही लेना, बिकॉज ये वीडियो की जो बातें हैं वो आपको अच्छी इसलिए लग रही है शायद क्योंकि अगर ये हो गया तो इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, बट अगर ये नहीं हुआ तो इट इज़ अ लॉस टू यू एज वेल एंड अ लॉस टू मी एज वेल. तो हमारे को यहाँ पे रिस्क एपेटाइट, यानी कि ऐसा परसेंटेज जो कि हमारे को इफेक्ट ही ना करे, 2%, फॉर एग्जांपल मेरे को आज स्पॉट में मैंने कोई एंट्री ली और वहाँ पे वो 10% नीचे चली गई और मैंने लॉस बुक किया 10% का, तो इट इज़ 10% डाउन ऑन माय एंट्री. तो वहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 2% हमारे पोर्टफोलियो का. अगर वो चला भी जाए, अगर आपको उसका गम नहीं है, तो इस नए क्वाइन में एंट्री लेके मेरे को ऐसा लगता है 2x से लेके 100x तक की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रही है, बिकॉज बहुत सारी क्रिप्टो कम्युनिटी इसके ऊपर नज़र रखेगी एंड होल्डर्स जो जिनको नुकसान हुआ है वो इसको बेचेंगे क्यों, दैट आई एम नॉट एबल टू काउंट. इसको येस वो बेच सकते हैं अगर ये एक अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, लेकिन येस अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उनको एयर ड्रॉप पे लॉस हो जाएगा. डज नॉट मैटर, मैं आपको कह ही नहीं रहा कि जब वो आए उसी टाइम एंट्री लेनी है, मैं आपको कह रहा हूँ वो आए थोड़ा सा स्टेबल हो, लेट सी इट कि वो कहाँ पे स्टेबल हो रहा है. अगर स्टेबल नहीं हो रहा, मैं शुरुआत के अंदर 2% की भी जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें से भी 0.5%, 50% उसका भी, मतलब कि 25% ऑफ 2%, मैं उसकी एंट्री शायद लिस्टिंग होने पे ले लूँगा, क्योंकि मैं अगर उसके बाद वो ऊपर ही जाता रहा तो आई डोंट वॉन्ट दैट रैली टू बी मिस्ड. और अगर वो नीचे आया और वो वहाँ पे स्टेबल हुआ 2 दिन के अंदर अंदर, जहाँ पे वो स्टेबल होगा मैं अपनी आइडियल स्ट्रेटजी उस पर अप्लाई करूँगा, यानी कि उसको बाइंग करूँगा वहाँ पे, जहाँ पे भी मेरे को एक्यूमुलेशन स्टेबिलिटी दिखाई देगी, एक नया सपोर्ट दिखाई देगा, वहाँ पे मैं उसको बाय करूँगा और होल्ड करूँगा बेशक फॉर लॉन्ग टर्म 2-3 ईयर्स एज वेल, बिकॉज इसकी कम्युनिटी, इसके डेवलपर्स काफ़ी अच्छे और बड़े हैं. एंड अगेन आई विल से आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम टेलिंग यू वट एवर आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, और आपको बता रहा हूँ ताकि कम्युनिटी को उसका फ़ायदा मिले. उसका नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा वो आने वाला वक्त ही बता सकता है, कोई भी उसको जज नहीं कर सकता. आई एम फाइंडिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड आई एम टेकिंग दिस ट्रेड एज अ वेरी वेरी हाई रिस्क ट्रेड विच कैन बी हाईली रिवॉर्डिंग फॉर मी एंड फॉर माई कम्युनिटी एज वेल. तो अगर आप इसमें एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो 1%, 2% ऑफ योर पोर्टफोलियो ओनली वही एंट्री लेना, उससे ज़्यादा एंट्री मत लेना, क्योंकि अगर आपका लग गया छक्का और आपने सारा पोर्टफोलियो लगा दिया, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको, लेकिन अगर वो डूब गया तो वो आप पैसे को बचा भी नहीं पाओगे. तो मेक श्योर 2% से ऊपर एंट्री मत लेना अगर आप लेने की सोच भी रहे हो. एंड अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, इसमें आपको बहुत बड़ा लॉस और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, तो सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करिएगा. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी मत भूलिएगा. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन.